नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी सरकार को बड़ी राहत, डील को सुप्रीम कोर्ट ने दी क्लीन चिट। जी हां, राफेल सौदे पर कोई शक नहीं। कोर्ट ने कहा है कि लड़ाकू विमान जो फ्रांस से खरीदा गया था, उसको कोर्ट की निगरानी में जो जांच की मांग थी वो खारिज कर दी है। विचार के लिए 3 बिंदु थे। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में विचार के लिए 3 बिंदु विवादित किए थे। डील की निर्णय प्रक्रिया, कीमत और भारतीय ऑफसेट साझेदार का चयन, तो इस पर अलग अलग राय आ रही है। वेणुगोपाल ने कहा है शानदार फैसला, कांग्रेस ने कहा है जेपीसीसी जांच करवाएं। अनिल अंबानी बोले आरोप पूरी तरह झूठे और सारे चोरों ने चौकीदार को चोर बताया था, ये बयान आया है अमित शाह की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में गहलोत बने पायलट, सचिन सह पायलट, छत्तीसगढ़ में बघेल का नाम आगे। सचिन के पास ही रहेगी प्रदेश की कमान, लेकिन राहुल ने फोटो किया ट्वीट, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा सचिन पायलट और गहलोत राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर में साथ खड़े हैं। नाथ बना रहे हैं ऐसी टीम जो प्रदेश को देगी नई दिशा। जी हां, कमलनाथ 17 को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ और सत्ता चलाने में कमलनाथ का साथ देगा लग्नेश का गुरु। नेक्स्ट चलते हैं ड्यूटी घंटे कम करने की मांग को लेकर रेल कर्मियों की भूख हड़ताल। ड्यूटी के घंटे कम करने के लिए रेल कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। उनकी कुछ मांगे इस प्रकार है, सहायक लोको पायलट का भर्ती ग्रेड 42 रुपये करना, मेल एक्सप्रेस लोको पायलट एवं गार्ड का ग्रेड पे 4600 करना और ड्यूटी रोस्टर में काम के घंटे 12 से घटाकर 8 घंटे किए जाएं। स्टेशन मास्टर को 5400 ग्रेड पे दिया जाए, वरिष्ठ सुपरवाइजरों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाए। अगली खबर आ रही है एमएसपी से जुड़ी हुई। जी हां, इन दिनों अधिकांश कृषि उत्पादों की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे। एमएसपी पर दलहन और तिलहन की खरीद लक्ष्य से 89% पीछे है। नहीं मिल रहा एमएसपी, तुअर की खरीद जल्द शुरू होगी, रबी में भी घटी बोनी। आगे चलते हैं, खबर आ रही है सोना चांदी में ग्राहकी का अभाव, सोना चांदी के ऊंचे भाव पर लेवाली का समर्थन नहीं बन पा रहा। कारोबारियों के मुताबिक हाजिर खरीदी का समर्थन अब 14 जनवरी से मल मास की समाप्ति के बाद ही बनने के आसार। आरबीआई की बोर्ड बैठक में प्रशासनिक ढांचे पर फैसला टला, जारी रहेगी चर्चा। आर्थिक हालात और बैंकिंग सिस्टम में नकदी की किल्लत से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श। पीसीए नियमों में ढील पर फैसला अभी बाकी, छोटे मझोले उद्योगों की चिंता। कल की आरबीआई की बैठक में सारे फैसले ये लिए गए। नवंबर में थोक महंगाई पिछले 3 माह में सबसे कम। नवंबर में थोक भाव के हिसाब से महंगाई दर घटकर 4.64% रह गई है, जो 3 महीने में सबसे कम है। खाने पीने की चीजों खासतौर पर सब्जियों के भाव घटने की वजह से पिछले महीने महंगाई कम हुई है। नेपाल में नहीं चलेंगे 200, 500 और 2000 के भारतीय नोट। भारत में काम करने वाले नेपाली, नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों को दिक्कत। नेपाल सरकार ने अपने 100 रुपये से ज्यादा मूल्य वाले भारतीय नोटों के चलन पर रोक लगा दी है। अब वहां 200, 500 और 2000 रुपये के भारतीय नोटों का लेन देन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। नेपाल पर हुआ था भारत में नोटबंदी का असर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि नोटबंदी से नेपाली जनता बुरी तरह प्रभावित हुई थी। उन्होंने कहा था कि वह यह मामला भारत के समक्ष उठाएंगे। नेपाल में लोग करीब 2 साल से भारतीय नोट इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार को अंदेशा है कि भारत में फिर कोई नीतिगत बदलाव होता है तो परेशानी होगी। फिर चलते हैं, पाकिस्तान को मिली 2020 के एशियाई कप मेजबानी, भारत बोला आयोजन स्थल बदलो। जी हां, एशिया कप 2020 की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है, लेकिन भारत ने अपने उस पर कहा है कि आप ये आयोजन स्थान बदलो। देखते हैं आयोजन स्थल बदलता है या नहीं। एबूज पिच पर चुके भारतीय गेंदबाज, दूसरा टेस्ट और पहला दिन दबाव बनाने का मौका गवाया। ऑस्ट्रेलिया बेहतर स्थिति में, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन चाय के बाद के सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट चटकाए। झांग को हराकर सिंधु सेमीफाइनल में, मध्य प्रदेश के समीर भी जीती। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने अमेरिका के बेइविन झांग को 21-9, 21-15 से हराकर विश्व टूर फाइनल्स के बैडमिंटन में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोर्ट में साथ खेलते हुआ प्यार, शादी भी कोर्ट में। एक दूजे के साइना और कश्यप धार्मिक रिवाज से रविवार को होगी शादी। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप शुक्रवार को एक दूसरे के हो गए। साइना और कश्यप ने कोर्ट मैरिज करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए इसकी एक जानकारी दी। गौरतलब है कि 10 सालों से रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने अपने संबंध को उजागर किया था और 16 दिसंबर को शादी होने वाली थी, लेकिन साइना ने अपने ट्विटर हैंडल पर 14 को ही ये जानकारी दे दी। अमिताभ घोष ज्ञानपीठ से सम्मानित। घोष इस साल 54वां ज्ञानपीठ पाने वाले अंग्रेजी के पहले लेखक होंगे। अंग्रेजी के प्रतिष्ठित साहित्यकार अमिताभ घोष को साल 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रतिष्ठित साहित्यकार को मिलेंगे 11 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र। न्यूयॉर्क में रहते हैं अमिताभ घोष, लीक से हटकर करते हैं काम।
तीन तेल कंपनियों पर ठोका 1-1 करोड़ का जुर्माना आ सकती। CPCB ने की कार्रवाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पर प्रदूषण निरोधी डिवाइस न लगाने पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। वहीं एक कार्ड से देश के सभी मेट्रो में कर सकेंगे सफर। दिल्ली मेट्रो के सफर करने वाले यात्रियों को जल्दी देश भर में अन्य मेट्रो नेटवर्क पर सफर करने के लिए वन कार्ड मेट्रो नेटवर्क के लिए मान्य मेट्रो कार्ड की सुविधा मिल सकती है। इतना ही नहीं, आने वाले 4 महीनों में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 450 किलोमीटर का दायरा तय कर लेगा। 4 महीने में मेट्रो रेल नेटवर्क होगा विश्व में 4th स्थान पर। UITP इंडिया सेमिनार में एक्सपर्ट ने दी जानकारी। देश में 10 मेट्रो रेल नेटवर्क है, सभी की कुल लंबाई 540 किलोमीटर है और 670 किलोमीटर निर्माणाधीन है। ऑक्सीटोसिन के निर्माण पर रोक हटी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना को किया रद्द। सुकेश की याचिका पर पुलिस ने मांगा जवाब। चुनाव आयोग अधिकारियों को कथित रूप से घूस देने के मामले में आरोप निर्धारण को आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अब नौकरी जाते ही 75% रकम निकाल सकेंगे PF अंशधारक। PF अंशधारकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब अचानक नौकरी चली जाने की सूरत में घर का खर्च चलाने का संकट पैदा नहीं होगा। अंशधारक नौकरी जाने पर 1 माह के भीतर अपने खाते से 75% राशि निकाल सकेंगे। तो ये थे आज की कुछ मुख्य समाचार। अगर आपको हमारे ये समाचार पसंद आ रहे हैं, हमारा चैनल पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही ये बुलेटिन अपलोड हो आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। आप भी अपनी कोई ऐसी खबर समाचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारी mail ID mjsgr@gmail.com पर।